हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम। सबको पता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सबको पता है कि हर एक बच्चे में जो कैलिबर है वो डिफरेंट तरीके का है, वो अपने आप में जो कैपेबिलिटीज रखता है वो डिफरेंट है, वो अपने आप में विनर है, अपने आप में चैंपियन है, लेकिन फिर भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन उसका तो जेई में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? उसका तो नीट में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे हमारे साथ भी होता है, अरे उसके तो व्यूज आ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? सो ये कंपैरिजन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज मैं स्पेशली कंपैरिजन करने वालों को, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं और उनके पड़ोसियों को बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे से कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। वो अपने आप में एक विनर है और ये एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्योंकि वो अपने आप में विनर है, वो अपने आप में चैंपियन है। और अगर आपने कंपैरिजन करना बंद नहीं किया तो वो अपने आप पे शक करना शुरू कर देगा कि क्या मैं कुछ हूं भी क्या। सो इसीलिए ये कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, स्पेशली उन पेरेंट्स को और उन लोगों को जो सिर्फ कंपैरिजन करके लोगों को मार देते हैं, लोगों की विनर कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा उस कहानी को और उसके बाद कंपैरिजन करना बंद कर दोगे। एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हो गए दोनों। अब हुआ कुछ यूं कि 3 महीने बाद ही फीमेल डॉग ने 6 बच्चे दे दिए, फीमेल एलिफेंट ने कुछ नहीं दिया। फिर 6 महीने बाद उसी फीमेल डॉग ने 12-13 बच्चे और दे दिए। फिर 6 महीने बाद उसने 6-7 बच्चे और दे दिए। सो इस तरह से 2 साल के अंदर उस फीमेल डॉग ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उस फीमेल एलिफेंट ने कुछ पैदा नहीं किया। वो फीमेल डॉग जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, फीमेल एलिफेंट के पास, पूछती है कि भाई तू सीरियसली प्रेग्नेंट है क्या? 2 साल में मैंने यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे दे दिए, तेरा 1 बच्चा नहीं निकला, तो सही में प्रेग्नेंट है क्या? उसके बाद जो फीमेल एलिफेंट ने जवाब दिया, वो जवाब सब कंपैरिजन करने वालों को सुनना चाहिए। उस फीमेल एलिफेंट ने उस फीमेल डॉग को कहा, देख आज मैं तुझे एक बात बताती हूं जो तुझे जानने की जरूरत है। तो उसने बोला क्या? तो फीमेल एलिफेंट कहती है कि इस पेट में जो बच्चा है ना वो पपी नहीं है, जब ये पैदा होगा ना और अर्थ पे गिरेगा धरती फील करेगी उसको, जब मेरा बच्चा निकलेगा ना लोग रिस्पेक्ट करेंगे, रास्ता छोड़ेंगे, हाथी पैदा हो रहा है पपी नहीं, और जब हाथी पैदा करते हैं वक्त लगता है। मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिस वक्त आपके पास कोई आए, अरे मेरा तो जेई में होगा तेरा क्या हुआ, अरे शर्मा जी के लड़के का जेई में होगा तेरा क्या हुआ, अरे वर्मा जी के लड़के का नीट में होगा तेरा क्या हुआ, उनको बोलना हाथी का बच्चा पैदा कर रहा हूं वक्त लगता है। समझिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा, और अगर आप खुद सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप यूनिक है, आप विनर है, आप चैंपियन है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। सो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ। यह है मेरी कहानी। मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।